वो आक्रमणकारी जो देश के अंदर बाहर से आए और यहां पर फूट डालो नाच करो की नीति से यहां के शासक बने, तो सबसे ज्यादा अगर व्याभिचार हुआ तो हमारी बेटियों के साथ, हमारी बहनों के साथ हुआ। ये इतिहास के पन्नों में लिखा हुआ है, आपने भी पढ़ा है और हमने भी पढ़ा है। बस हो गया, बड़ी हो गई। ये बुलेट चलाई के लिए दीजिए। तो शुरुआत करने से पहले मैं बेटियों के बारे में कहना चाहूंगा, और हमारे मैनेजर सर भी यही कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। फरमान है दुनिया वालों से, फरमान है दुनिया वालों से, खुदा से जो ये विकास का कारवां है और जो हमें समाज में संतुष्टि मिली है, इसका जो कारवां है ये कहीं निरंतर रुके नहीं, और फिर से हमारी भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बने और कमल का फूल ही खिले। इसके लिए मैं आप सबको उनसे एक बार फिर से निवेदन करती हूँ, खिलेगा कि नहीं? भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। इसी तरह हमारे समाज में सबका सम्मान होता रहे और गुंडा माफियों से हम ना डरे। उनसे जो है हमें जो आज ये हमको जो मिल रहा है कि हम स्वतंत्र होकर के अपने समाज में जी रहे हैं, ऐसा ही समाज चाहिए। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। बेटा जी क्या कार्यक्रम था और किन बच्चों को आपने 40 को दिया? रिद्धि सिद्धि एजुकेशनल एंड ह्यूमन वेलफेयर ट्रस्ट द्वारा विगत वर्षों के भांति इस वर्ष भी हमने एक रानी लक्ष्मीबाई प्रतिभा खोज परीक्षा संपन्न कराई थी। चूँकि आज़ादी के 75 वर्ष गौरवपूर्ण प्राप्त पूर्ण हुए हैं, जिसको हम लोग अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं, उस अभियान के अंतर्गत हम लोगों ने एक रानी लक्ष्मीबाई सम्मान समारोह आज ऑर्गेनाइज किया। उसमें प्रतिभागी जो परीक्षार्थी बेटियाँ थीं, उनमें से 40 बेटियाँ मेरिट पे, जिन्हें स्कूटी का पुरस्कार आज उनका रिजल्ट अनाउंस हुआ है, अन्य सभी बच्चियों के लिए भी जो सम्मान पत्र है उसकी आज घोषणा हुई। कितने बच्चे जो 9000 आप बता रहे थे? 9462। क्या उनको कैसे जाएंगे, मतलब वहाँ पे उनको कैसे? हमारे ट्रस्ट परिवार के सदस्य, हमारे ट्रस्ट के लोग उन सभी बच्चियों के घर, चूंकि उनका एड्रेस है, उनका टेलीफोन नंबर है, ट्रस्ट परिवार के लोग उनका प्रशस्ति पत्र और उनका पूरा उपहार पुरस्कार उनके घर तक पहुँचाएंगे। प्रोग्राम कब से कर रहे हैं? ये प्रोग्राम मेरा शुरू से चल रहा है, 2019 में किया, 2020 में कोविड कारण नहीं किया, इधर किया, 18 में किया, हम लोग कंटिन्यू हर साल कर रहे हैं। राजनीति से इससे कोई मतलब नहीं करने की सोच कैसे? इस प्रोग्राम को हम अपने विद्यालय के माध्यम से पहले से भी तमाम बेटियों को शैक्षिक रूप से गोद लेकर उनको पढ़ाने का कार्य हम विगत लगभग 15 वर्षों से मैं कर रहा हूँ। हमारे रिद्धि सिद्धि कॉलेज ऑफ हायर एजुकेशन में भी 10% सीट लड़कियों के लिए निःशुल्क कोटा है। ये हमारा बहुत पुराना अभियान है, मैं इसे अपने समाज की बेटियों को प्रमोट करना, बेटियां हमारी स्वावलंबी बने, आत्मनिर्भर बने, पैरों पे खड़ी हों, ऐसी बेटियों को हम सपोर्ट करते हैं।